हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के द इफ़ एल्स स्टेटमेंट पार्ट को। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है हमारी इफ़ स्टेटमेंट से जुड़ी हुई है कि अगर यहाँ पे हमारी इफ़ स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, अगर वो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम नेक्स्ट पार्ट को कैसे कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आई हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो जो हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि अगर हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो हमारी इफ़ स्टेटमेंट है उसकी कंडीशन जो है ट्रू होती है तो वो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर की जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको परफॉर्म करेगी, और अगर वो जो है हमारी इफ़ स्टेटमेंट्स इवेल्यूएट टू फॉल्स, यानी अगर वो फॉल्स हो जाती है, उसकी कंडीशंस ट्रू नहीं होती है, तो वो एल्स पार्ट के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करेगी। तो इसका सिंपल सा जो है एक यही कॉन्सेप्ट है, अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ़ कंडीशन को इवेल्यूएट करके जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको परफॉर्म करेगा, और अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारी तो उसका जो इवेल्यूएशन है वो हमारी एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी उसके थ्रू होगा। तो अब इसके सिंटेक्स को देखते हैं। जैसे कि हमारा इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स था वो हमारा एज इट इज सेम रहने वाला है इफ़, और उसके अंदर जो भी हम कंडीशनल एक्सप्रेशन देंगे वो एंड देन सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे पाइथन का इंटरप्रेटर जो है ऑटोमेटिकली एक टैब जो है स्टेटमेंट्स को इंडेंटेड कर देता है, जिससे पता चलता है कि ये हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर है। उसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट्स देंगे अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो वो यहाँ पे पार्ट को फॉलो करेगा, और अदरवाइज ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो हमारा इंटरप्रेटर है वो मूव कर जाएगा एल्स पार्ट पे। तो हमें लिखना है एल्स कॉलन स्टेटमेंट्स, यानी कि जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे परफॉर्म कराना चाहते हैं वो। तो इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमें मार्केट में भेजा जाता है और हमें बोला जाता है कि हमें वहाँ से वाटरमेलन लेके आना है। अगर हम मार्केट में जाते हैं और अगर हमारे पास वाटरमेलन अवेलेबल है मार्केट में तो हम उसे बाय कर लेंगे और हमारी इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। बट इन केस अगर हमारे पास वाटरमेलन अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन हमें दिया जाता है कि हम वाटरमेलन की बजाय जो है मैंगो को वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा एल्स पार्ट हो गया कि अगर वाटरमेलन है तो वो इफ़ के अंदर की कंडीशंस को परफॉर्म करेगा, और अगर वाटरमेलन नहीं है तो वो एल्स के अंदर की कंडीशंस को प्रूव करेगा। हमारे इस केस के अंदर हमारे पास वाटरमेलन अवेलेबल होगा तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसके अंदर की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होगी। बट अगर वाटरमेलन अवेलेबल नहीं है हमारे इस एग्जांपल में तो हम एल्स स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे और मैंगो को जो है बाय कर लेंगे। ये जो हमारा एल्स स्टेटमेंट के अंदर का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो चलिए हम इसको हमारे आइडियली में ट्राई करते हैं और इसके सिंटेक्स को, इसकी फंक्शनैलिटीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे जो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का एक एग्जांपल करने वाले हैं जो कि हमारे पाइथन आइडियली के अंदर हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ए इनिशियलाइज़ किया और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 5। अब जो है मैं यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और पता करूँगा कि हमारी ए की वैल्यू जो है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हम जो उसके अंदर प्रिंट कराएंगे पॉजिटिव नंबर, और अगर हमारी जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स पार्ट की तरफ मूव करेंगे और प्रिंट कराएंगे नेगेटिव नंबर। तो ये हमारा सिंपल सा जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ है और सिंटेक्स है कि अगर हमारा जो है ए की वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी 5, अगर ये ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम सभी जानते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो यहाँ पे हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन दिया ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी पॉजिटिव नंबर को जो है प्रिंट कर देगा, बिकॉज इफ़ स्टेटमेंट के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन के थ्रू ट्रू होती है और प्रिंट स्टेटमेंट या जो भी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर की स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे फॉलो होगी और परफॉर्म होंगी। बट इनकेस अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर का पार्ट या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो होगी। चलिए हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, और यहाँ पे जो है मैंने अपनी फाइल का नेम रखा pn, पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में, और .py हमारे पाइथन फाइल का एक्सटेंशन, और सेव। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करूँगा विद द हेल्प ऑफ ओवर f5। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आया पॉजिटिव नंबर, बिकॉज हमारी a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमारी a की वैल्यू यहाँ पे 5। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी -2, और अगर अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट आएगा नेगेटिव नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट है नेगेटिव नंबर, बिकॉज हमारी a की वैल्यू जो है नेगेटिव। तो हमारा सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम है जो कि क्या करेगा, कंडीशंस को चेक करेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो है हमें आउटपुट प्रिंट करेगा।